नैनीताल में आपका स्वागत है। नैनीताल इस समय हम तल्ली ताल में खड़े हैं और यहाँ से मल्ली ताल के लिए ये रिक्शा चलते हैं नगर निगम के, तो आपको 10 रुपये सवारी लेंगे ये और आपको तल्ली ताल से मल्ली ताल लेके जाएंगे, पर इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा लाइन में। लाइन की आप लेंथ देख लीजिए, ये हमने तल्ली ताल से मल्ली ताल के लिए रिक्शा ले लिया है। एक रिक्शे पे 2 सवारी बैठ सकती हैं, इसका किराया 20 रुपये होगा, यानी 10 रुपये सवारी। अगर आप अकेले भी करते हैं तो भी आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। तल्ली ताल से मल्ली ताल की जो दूरी है वो तकरीबन 1 किलोमीटर की है और आप इस राइड का मज़ा ले सकते हैं। आप पूरा लेक के साथ साथ चलेंगे, ये देखिए लेक, लोग लेक में से बोटिंग कर रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये इतनी मज़ेदार है ना राइड। भैया रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं और साथ में हम बैठे हुए हैं, पूरा रास्ते का मज़ा ले रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। 20 रुपये में भाई साहब, ये जैकपॉट है, जैकपॉट। ये देखिए नज़ारे देखिए आप। आप नेक्स्ट टाइम आए नैनीताल तो ये रिक्शा राइड जरूर लीजिएगा, अमेजिंग राइड है, अमेजिंग। 10 रुपये दीजिए और पूरी लेक के मजे लीजिए। ये देखिए ये भैया रिक्शा चला रहे हैं, सुपर फास्ट इनका रिक्शा, स्कूटी की रफ्तार से रिक्शा चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं सही ढंग से बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ, कभी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं करी। ये देखिए ये लोग बोटिंग कर रहे हैं। आप भी नेक्स्ट टाइम जब भी नैनीताल आएँ इस रिक्शा राइड को लीजिएगा। अरे बाबा, बम्पी रोड, स्पीड ब्रेकर था। ये देखिए एक तरफ ये लेक है, दूसरी तरफ ये मॉल रोड है, मॉल रोड के साथ में ये होटल्स बने हुए हैं, हज़ारों की तादाद में ये होटल्स हैं, छोटे बड़े, लोगों ने अपने घरों को होटल बना रखा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर होटल है, यहाँ पे बिल्कुल लेक फेसिंग होटल है। ये देखिए नज़ारे, नैनी लेक है, ये बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने तो भैया अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लिया, एंड आई एम श्योर अगर आपने भी कभी ये राइड नहीं ली तो इसका मज़ा आप ज़रूर ज़रूर लीजिएगा जब नेक्स्ट टाइम आप नैनीताल आएँ। ये देखिए होटल्स देखिए, कितने खूबसूरत होटल बने हुए हैं इसके, एकदम कमर्शलाइज हो रखा नैनीताल एकदम। आप यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं तल्ली ताल से मल्ली ताल और मल्ली ताल से तल्ली ताल, जो कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है, आप उसको चाहे वॉक से कर सकते हैं। 2 किलोमीटर, रिक्शे वाले भैया बोल रहे हैं एक नहीं भैया दो हैं, कहाँ है हमारे स्टेमिना की ऐसी तैसी फेर रहे हो भैया। 2 किलोमीटर का सफ़र आप 10 मिनट की इस रिक्शा राइड में 10 रुपये दे करके, भाई साहब इससे सस्ती राइड पूरे भारत में नहीं है, पूरे भारत में। जो आपके घर शेयरिंग ऑटो चलता है ना वो भी शायद 20 रुपये लेता होगा मिनिमम, यहाँ पे आप 10 रुपये दीजिए और इस स्पीड का मजा लीजिए, आलीशान आलीशान। ये देखिए रेस्टोरेंट्स की तरफ, सामने लेक, अमेजिंग। ये जो नगर निगम का रिक्शा है ये सुबह 6 बजे इसकी सेवा शुरू होती है और रात के 10:30 बजे तक चलती है। रात को भैया बता रिक्शा वाले कि ये जो व्यू है अमेजिंग होता है। 6 से 8 नो एंट्री टाइम है, उस समय रिक्शा नहीं चलता, बाकी उसके बाद सुबह 6 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक
आप इस रिक्शा राइड का मजा ले सकते हैं। 10 रुपए दीजिए, रिक्शे के मजे लीजिए। ये मल्ली ताल से तल्ली ताल की ओर जाने के लिए लोगों की लाइन लगी है, रिक्शे से या ऑटो वाली बैटरी से। सो ये 2 किलोमीटर की राइड के आपको 10 रुपए देने हैं। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि आप 10 रुपए दे करके तल्ली ताल से मल्ली ताल आ सकते हैं, सेम फैसिलिटी मल्ली ताल से वापस तल्ली ताल जाने के लिए। आप 10 रुपए दीजिए और आप मल्ली ताल से तल्ली ताल चले जाएंगे, जो कि 2 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। ये हमने मल्ली ताल से तल्ली ताल के लिए फिर से वही नगर निगम का रिक्शा कर लिया है। सेम इसका किराया भी 10 रुपये पर सवारी है और एक रिक्शे का 20 रुपये हो गया। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको तल्ली ताल से मल्ली ताल का दिखाया था, जो कि लेक फेसिंग था। अब ये जो रास्ता है, ये है मल्ली ताल से तल्ली ताल का। तो बेसिकली ये रेस्टोरेंट और जो होटल है वो फेसिंग है। तो आप ये देखिए, आपको इस तरफ सारे जो लेक फेसिंग होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे दिखेंगे। आप देखते जाइए, हो सकता है कुछ होटलों में आप जब कभी नैनीताल आए हो, रुके हो, इससे आपकी मेमोरी भी थोड़ी रिफ़्रेश हो सकती है। और आप कुछ होटलों के नाम भी देख लीजिए, ताकि कल को जब आप नैनीताल आने का प्लान बनाएं तो ये आपके लिए एक रेडी रेफरेंस रहे होटल की लिस्ट जानने के लिए। जनरली ये होता है कि जब भी आप कभी किसी हिल स्टेशन पे, किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, तो आपको होटल नहीं पता होता कि वहाँ पे कौन कौन से होटल हैं। तो अगर आप ये वाला सीरीज़ देख लेते हैं तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कितने होटल हैं, किन किन नाम से होटल हैं। उन होटल को फिर आप गूगल करके उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हो और उनसे फिर आप डायरेक्टली बात करके जो टैरिफ है उसको आप नेगोशिएट कर सकते हो। ये मैंने आपको बड़ी यूज़फुल टिप दी है गुरु। अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट मेरे वीडियो में दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है, किस तरह के आप वीडियोस में कंटेंट चाहते हैं, ताकि मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। मॉल रोड पे ही सभी बड़े बैंक्स के ब्रांचेस और एटीएम हैं। ये देखिए, इस समय शाम के 4:30 हो गए हैं, मौसम बहुत ही प्लेजेंट और है। लोग एक लॉन्ग वॉक के लिए निकले हुए हैं मल्ली ताल से तल्ली ताल। बेसिकली मल्ली ताल लेक का एक हैंड है और तल्ली ताल लेक का दूसरा हैंड है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 2 किलोमीटर का है। तो लोग अब इसी को मॉल रोड भी कहा जाता है। तो लोग इसी मॉल रोड पे अपना घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप भी आइए, पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब कभी भी आप नैनीताल आएँ, भाई साहब बुकिंग करा करके आएँ। अगर आप सीज़न में आ रहे हैं और आप बिना बुकिंग के आए हैं, तो भैया आप अपनी फिर गाड़ी में सोने का इंतज़ाम करके आएँ, क्योंकि यहाँ होटल मिलना तो भैया बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये आपके लिए एक मेमोरेबल और इन्जॉयबल ट्रिप बने, तो भाई जी होटल बुकिंग इज़ मस्ट। ये मैं आपके लिए एक बिना वॉइस का वीडियो चला रहा हूँ, ताकि आप मॉल रोड में जो जो कैफ़े हैं और जो होटल हैं उनको आप नोटिस कर सकें। तो अपनी जीवा को विराम देते हुए आपके लिए ये साइलेंट वीडियो। नैनीताल में आप मॉल रोड पे बाइक्स और स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं। जो स्कूटी का किराया है सीजनल है, बट
600 से 800 की रेंज में है, वही बाइक का किराया 1000 से 1200 की रेंज में है। ये देखिए बाइक है, ये कमर्शियल यूज़ के लिए है, तो इनका नंबर प्लेट येलो है, तो जो चार्जेस हैं वो बाइक टू बाइक हैं, ये स्कूटीज़ हैं। तो ये आपको सुबह 10 बजे से लेकर के या 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है, और फिर शाम को 5 बजे से लेकर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक है। सो तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए आपको बाइक मिलती है, जिसका किराया 600 से 800 रुपये स्कूटी का और 1000 से 1200 रुपये बाइक का है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, योर होस्ट कपिल धवन इज साइनिंग ऑफ। आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, बाय।